12 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे, यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वो भी वो लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी असहज लग रही थी, यानी वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वो अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था मानो वो काफी ज्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वो लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वो लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है ये व्यक्ति ही इस बच्ची को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15-16 साल लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। खैर, गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ दून ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है, मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए, हो सकता है शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वो सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति वहाँ पर घूम रहे हैं उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुँचते हैं वो लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वो उस बैग से लिपट जाती है और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर कांपने लगती है, तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये जरूर आदमियों से घबरा रही है। इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चले जाते हैं और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उसके पास रह जाती है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसलिए उस लेडी ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटी क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था। पुलिस उससे कई तरीकों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वो लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि ये लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वो किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी की गई है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी
ये सब तुम्हारे साथ कहां पर हुआ? तो वो लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो महिला पुलिसकर्मी थी इसलिए उसके हालातों को काफी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उन्होंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भी छोड़ो, हम लोग उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। वो लोग जैसे तैसे कर उस बच्ची को शांत कराते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करते हैं। वो लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम किया है, यानी उसके साथ गैंगरेप हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब क्योंकि वो बस स्टैंड था इसलिए वहां पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुंचती है क्योंकि वो लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी, इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है, पुलिस वालों ने देखा कि वहां बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिर में जब वो लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह गई तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो बार बार उस बच्ची को देख रहा था, इसलिए वो व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध लग रहा था। और जब उन लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज उस लड़की को दिखाई तो वो लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। उसे देखकर वो लड़की दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हाँ यही वो दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग और थे। इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फोटो निकलवाते हैं और फिर से बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहां बस अड्डे में जितने भी लोग काम करते थे उन सबको वो फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो वो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस ISBT में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी रहती है और वो बसें अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती है। इसलिए वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए मैं किस बस में बैठूं। लेकिन वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वो भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, तुम परेशान मत होइए, जो सामने बस खड़ी हुई है तुम इस बस में जाकर बैठ जाओ। वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उस लड़की को उस बस में बैठा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहां पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वो बस चलने लगती है और फिर वो बस रात करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो उस बस का आखिरी स्टॉप था। इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वो लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वो बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाए थे और जिसकी उम्र अभी लगभग 15 साल के आसपास ही थी, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर वो दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे। वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहां तक पहुंचती हैं, तो उस गाड़ी के अंदर भी दो ड्राइवर बैठे हुए थे।
लड़की के चीखने की आवाज सुनकर वो दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने के बजाय उल्टा ये कहते हैं कि अब हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको भी जो करना है करो। और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य होता रहता है, यानी वो चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वो कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वो कंडक्टर चला जाता है। इधर ये तीनों हैवान ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने पैसेंजर से यानी यात्रियों से कलेक्ट किए थे उन्हें जमा कराने लगता है। लेकिन तभी कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ चुकी थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद केस जमा कराने क्यों आए हो। वो कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए तो वो उसके सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर उसने कैशियर को भी बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वो कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों ड्राइवरों की नजर कैशियर पर पड़ती है तो वो लोग कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को करने दो। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया, यानी उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य किया। और इस तरह पहले कंडक्टर, फिर ड्राइवर, फिर उनके पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलती थी, उसमें बैठे हुए 2 ड्राइवर और आखिर में वो कैशियर, वो पांचों लोग मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। और जब वो लड़की चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोग उससे कहते थे कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती, यानी अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। उस लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और अब तो उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह वो लड़की वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वो बस का इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वो लड़की लोगों के बीच में ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1098 पर फोन कर दिया था। इसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पहुंचते हैं, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए गए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उन 5ों को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी सिहर गए थे। इसके बाद SSP राजेश कुमार द्वारा उन 5ों के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कर ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया था कि वो कहाँ की रहने वाली है, इस पर लड़की ने बताया था कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने मुड़ापाड़ा क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया। हालांकि अभी तक तो वो लड़की कह रही थी कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। और जब उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि करीब 12 दिन पहले वो लड़की अचानक घर से निकल गई थी। हालांकि इससे पहले भी वो 1-2 बार घर से गई थी।
लेकिन हर बार वो लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेते थे। उनका कहना था कि इस बार हमें पता ही नहीं चल सका वो कब कैसे निकल गई। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुंचे, लेकिन लड़की ने अपने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है। पुलिस जांच में ये भी पता चला था कि उस लड़की के माँ बाप की भी मनोस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वो लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक, उसको तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। हालांकि उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है, साथ ही उसे अभी फिलहाल बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक हो सके। उसकी कई बार काउंसलिंग भी कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस घटना में 5 से ज्यादा लोग शामिल रहे हों। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को ये संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।